हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है निशांत रोहिला और आप देख रहे हैं आईएनडी व्हील्स। दोस्तों, आपने अगर एयरपोर्ट पे प्लेन से सफर किया है, आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो चेकिंग के दौरान आपके बैग का वजन किया जाता है और आपसे पूछा जाता है, आपको बताया जाता है कि आप कितना वजन कैरी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो एयरपोर्ट पे जो आपको अलाउड है प्लेन के अंदर लगेज ले जाना या कोई भी सामान ले जाना, वो 18 किलो पर पर्सन होता है। इसी तर्ज पे ना दोस्तों, इंडियन रेलवे ने भी ऐसा एक रूल निकाला है कि वो अब सामान को लिमिट कर देगा हर आदमी के साथ। एक आदमी जैसे प्लेन में एक आदमी के ऊपर 18 केजी तक का वजन ले जा सकता है, ऐसे ही अब ट्रेन में भी हुआ करेगा। ट्रेन के अंदर आप एक सीमित वजन तक ही आप वजन ले जा सकते हो, सामान ले जा सकते हो। अब ये इंडियन रेलवे ने ये रूल क्यों बनाया है, रेलवे का क्या कहना है? रेलवे का कहना ये है कि लगातार हम देख रहे हैं कि भाई ट्रेनों में भीड़ बढ़ती जा रही है और नई ट्रेनें बहुत कम चलती हैं। ट्रेनों में जो भीड़ भाड़ है उससे बचने के लिए ये रूल लागू किया गया है। रेलवे का मानना ये है कि लोग जो है मतलब कहीं ज्यादा वजनी सामान अपने साथ कैरी करते हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता, और जिसके कारण वो जगह बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड करता है और पैसेंजर्स की भीड़ हो जाती है। अब जो है दोस्तों, आने वाले समय में रेलवे ये रूल लागू कर देगा कि पर पर्सन एक लिमिट तय कर दी जाएगी कि आप इतना वजन ले जा सकते हैं। वो वजन दोस्तों किस प्रकार है वो वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो AC2 टायर जो है ना दोस्तों, स्लीपर और फर्स्ट क्लास में, ठीक है, उसके अंदर आप 50 किलो तक का वजन ले जा सकते हो पर पर्सन, ठीक है। तो ये पहले इसमें इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अब 50 किलो की आपके ऊपर बाउंडेशन है। 50 किलो से अगर ज्यादा आप ले जाओगे तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा। चार्ज कैसे लगेगा दोस्तों, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी अभी नहीं दी है। मोटा मोटा 600 रुपए कम से कम चार्ज है, ये आपको बताया है, अगर आप 500 किलोमीटर तक का सफर करते हो तो। AC3 टायर की अगर बात करें दोस्तों, AC3 टायर में वही स्लीपर और AC चेयर कार में अगर मैं बताऊं तो उसमें 40 किलो फ्री अलाउंस है आपको। आप मतलब अगर आप AC3 टायर में सफर कर रहे हो तो आप 40 किलो तक का वजन ही ले जा सकते हो। और दोस्तों अगर स्लीपर क्लास की बात करें ना, स्लीपर क्लास में अगर आप सफर कर रहे हो तो आप पर पर्सन 40 किलो तक का ही सामान ले जा सकते हो। और सेकंड क्लास की अगर बात करें दोस्तों, जो जनरल बोगी नॉर्मली कहते हैं, जो सेकंड क्लास है, उसके अंदर आप पर पर्सन 35 किलो तक का ही वजन ले जा सकते हो। अगर उससे ऊपर आप वजन ले जाओगे तो आपके ऊपर चार्ज लगेगा। अब दोस्तों इसमें जो मोटा मोटा उन्होंने जो क्लियर नहीं किया है, मोटा मोटा जो बताया है वो मैं बता देता हूँ। 500 किलोमीटर तक की अगर आप यात्रा करते हो तो 500 मतलब 0 से 500 तक, ठीक है, तो आपको 600 रुपए तक का इससे ऊपर वजन जाते ही जुर्माना देना पड़ सकता है। ये जुर्माना आगे मतलब वजन के हिसाब से वैरी करेगा और डिस्टेंस के हिसाब से वैरी करेगा, ठीक है। तो अब दोस्तों ख्याल रखना, अगर आप रेलवे में ट्रेवल करने का प्लान बना रहे हो और आपके साथ वजन होने वाला है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। आप एक बार अपने प्लेटफॉर्म पे जाके या स्टेशन पे जाके आप एक बार उसको चेक कर लेना कि आपको कितना वजन अलाउड है, अदरवाइज आपको हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको ये जानकारी कैसी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर लगाना, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो हेलमेट जरूर पहनना। मैं आपसे मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।